दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसे रहस्यमय दरगाह से भी ज्यादा कराने वाले हैं, यहाँ के ऐसे करामतों के बारे में बताने वाले हैं जो करामतें जानकर के आज साइंस को हैरान है। दोस्तों एक ऐसी दरगाह से अगर किसी के शरीर के अंदर अगर शैतानी ताकत या भूत प्रेत अगर मौजूद है तो यहाँ पर आने भर से ही उसको यहाँ पर हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ से वो एकदम सही होकर के जाता है। अगर इस दरबार में अगर वो एक बार आ गया तो बिल्कुल सही होकर के यहाँ पर जाता है। यहाँ पर दरगाह शरीफ के अंदर एक ऐसा रहस्यमय पेड़ भी ऐसा बताया जाता है जिस किसी के शरीर के अंदर अगर भूत प्रेत जिन्नात शैतान अगर मौजूद है तो उस पेड़ के ऊपर उस शैतान को कैद करा जाता है। वो पेड़ भी अभी आपको बताएंगे इस दरगाह शरीफ के अंदर। और दोस्तों दरगाह शरीफ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ से एक काजल भी दिया जाता है जिस किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है, धुंधला दिखाई देता है, तो सरकार के दरबार का एक काजल दिया जाता है, उसको आँखों में लगाने से उसका धुंधलापन दूर हो जाता है, वो एकदम सही देख पाता है। तो दोस्तों अभी मैं दरगाह शरीफ के अंदर मौजूद हूँ, अभी आपको यहाँ से घूम करके पहले बाहर से पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ का ये पूरा माहौल देख सकते हो आप किस प्रकार का नज़ारा है। अभी आपको पहले आस्थाने मुबारक के अंदर लेकर के जाते हैं और हजरत सूफी असगर अली पिया की मजार शरीफ की आपको ज़ियारत कराएंगे, दीदार कराएंगे। दोस्तों ये पूरा नज़ारा है दरगाह शरीफ के अंदर, आपको आने के बाद कुछ इस प्रकार का माहौल नज़र आएगा। दोस्तों ये कहाँ पर, पूरा एड्रेस भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो। आप किस तरीके से यहाँ पर आओगे पूरी जानकारी आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए दरगाह शरीफ से रिलेटेड तो आप भी, आपको यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनके मोबाइल नंबर भी अभी हम देने वाले हैं, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उस पर भी पूरी जानकारी ले सकते हो यहाँ के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक तेल भी दिया जाता है, यहाँ पे चिराग रोशन होते हो, चिराग का तेल भी दिया जाता है। यहाँ के तेल की करामत बताई जाती है, अगर किसी के शरीर के अंदर कहीं भी तकलीफ हो, हाथ पैरों में अगर दर्द हो तो यहाँ का तेल लगाने से उसकी सारी तकलीफें दूर होती है। तो अभी आपको आस्थाने मुबारक के अंदर लेकर के जाते हैं और यहाँ पे पहले आपको दीदार कराते हैं हजरत सूफी असगर अली पिया की मजार शरीफ। दोस्तों दरगाह शरीफ राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर मौजूद है। अगर आप कहीं से भी, आपको राजस्थान आना, राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले में आना, झुंझुनू जिले के अंदर 10 किलोमीटर दूर जयपाड़ी गांव है और जयपाड़ी गांव के अंदर ये रहस्यमय दरगाह शरीफ है जो कि हजरत सूफी असगर अली पिया के नाम से जानी जाती है। जयपाड़ी दरगाह शरीफ के नाम से भी जानी जाती है और जयपाड़ी गाँव के अंदर ये दरगाह शरीफ मौजूद है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो। अभी आपको यहाँ पर और भी आपको बाहर से जो पेड़ है, पेड़ का नज़ारा दिखा देते हैं जिसके ऊपर भूत प्रेत शैतानों को कैद करा जाता है, उस पेड़ को अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से लोगों को हाजिरी आती है वो सीन भी आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। दोस्तों सिर्फ ये वीडियो बताने का मकसद यही है, सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना। तो अभी आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं किस प्रकार का ये पूरा सीन है। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो कर लेना। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। दोस्तों ये पूरा नज़ारा आप देखिए, अभी आपको जो यहाँ पर पेड़ है उसके पास ले करके जाते हैं। दोस्तों पेड़ के बारे में बताया जाता है कि आपके जो भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम होती है वो इस पेड़ के अंदर कैद करी जाती है। और जैसे कि यहाँ पे उर्स लगता है तो यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है, यहाँ के इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। अभी आपको उर्स के टाइम का भी नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी भूत प्रेतों की अदालत लग जाती है, एक के बाद एक यहाँ पर जिन लोगों के अंदर रूहानी ताकत होती है तो यहाँ पर उनको हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों आप यहां देखें ये हजरत सूफी असगर अली पिया की दरगाह शरीफ के अंदर यहां पे एक रहस्यमय पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर बताया जाता है कि कुछ भी अगर रूहानी ताकत या शैतानी ताकत, अगर शैतान आपके शरीर के अंदर मौजूद है तो इसी पेड़ के अंदर उसको कैद करा जाता है, इसी पेड़ के ऊपर उसको बांध दिया जाता है और वो यहीं रह जाता है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है वो यहाँ से एकदम सही होकर के जाता है। और दरबार में जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर काजल दी जाती है, अगर किसी को धुंधला दिखाई देता है, किसी को क्लियर नहीं दिखाई देता तो उस काजल को लगाने से उसकी आंखों की रोशनी भी एकदम आ जाती है, मतलब साफ सुथरा उसको दिखाई देने लग जाता है। और दोस्तों आप यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों को हाजिरी आ रही है, क्योंकि इनके शरीर के अंदर कोई ना कोई रूहानी ताकत भूत प्रेत यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर दरबार में उर्स के टाइम में पूरी यहाँ पर अदालत लग जाती है, यहाँ पर उनको मतलब शरीर के अंदर उनको हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर दे रखे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते